नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल में। दोस्तों इस मॉड्यूल को हम लोग डिस्कशन करेंगे वो एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की ये जो TMH की बुक है उससे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और अगर एज फार एज इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, गोल की बात करें कि वाई आर वी डिस्कसिंग दिस, तो जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, एक तो इस बुक में जो कवरेज किया गया है वो काफ़ी लूसिड वे में किया गया है। सेकेंड ऑफ ऑल एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। थर्ड थिंग इज ये जो पूरी लेक्चर आज का लेक्चर है या फिर जो पूरी लेक्चर सीरीज रहेगी इट विल हेल्प यू इन क्विक रिविजन। And fourth is to make your preparation holistic and complete. Fine. ये जो पूरा लेक्चर सीरीज रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल का या फिर इस लेक्चर की बात करें तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल योर एग्जाम्स। फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो मैटर नहीं करता। एंड सेकेंड ऑफ ऑल इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन ईच स्टेज, फिर चाहे वो प्रिलिम्स वाली स्टेज हो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली स्टेज हो या फिर मेंस वाली स्टेज हो। इसमें जो मैंने कंटेंट को एक्सप्लेन करूँगा वो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, इज दैट क्लियर। और कंप्लीट रहेगा तो आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हो, एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है मेरे बारे में, प्लीज गो थ्रू दैट। एंड दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता। दोस्तों लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इसके जो इस ये जो पूरा मॉड्यूल है इसको अपलोड किया गया है www.streetzero.in पे। तो इसके सारे लेक्चर्स या मॉड्यूल को या फिर कोई अगर आप क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इन लेक्चर से रिलेटेड जो क्विजेज हैं वो भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखी है। उसके अलावा बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स हैं तो आप जाके देख सकते हैं www.streetzero.in पे। अगर कहीं पे कोई क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 08447022777, इज दैट क्लियर। एंड इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल बेनिफिट आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं t/alok/137। तो नाउ हैविंग सेड दैट लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। और दोस्तों आज की जो ये लेक्चर है इसका मेन टॉपिक क्या रहेगा तो वो ये रहा। हाँ तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि आज का ये जो लेक्चर है अगेन इट इज गोइंग टू बी ऑन महाजनपदास। जस्ट अ क्विक रिवीजन, लास्ट लेक्चर में जो महाजनपदास वाला हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या बात की थी? पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी, ये जो महाजनपदा वाला पीरियड है ये कब शुरू होता है, राइट? तो 6th century BC में ये स्टार्ट हुआ था इसकी हमने बात की। उसके बाद महाजनपदा यानी 16 लार्ज किंगडम, जब लेटर वैदिक पीरियड समाप्त होता है आपका उसके बाद ये महाजनपदा पीरियड शुरू होता है। तो हमने बात की कि वो 16 महाजनपदा जो नॉर्थन इंडिया में डेवलप हुए थे या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थे, तो वो 16 महाजनपदास कौन से हैं, उनकी कैपिटल क्या थी, उनके फाउंडर या उनके किंग जो रूलिंग किंग थे वो कौन थे, उनकी लोकेशंस के बारे में बात की थी। उसको समझने के बाद फिर हमने बात की थी कि ये जो महाजनपदास थे इनमें से ज़्यादातर तो किंगडम्स थे, मतलब जिनके राजा किंग हुआ करते थे, और कुछ वहाँ पे गण संघ थे यानी जो रिपब्लिक्स हुआ करते हैं ओलीगार्की टाइप के, कि मतलब जिन पे कुछ रॉयल फैमिलीज मिल के राज किया करती थी। तो उन दोनों में किंगडम्स और ओलीगार्चीज के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमने बात की थी। आज का जो ये लेक्चर रहेगा वो जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आपको पता होगा इन 16 के 16 महाजनपदास में से एक जो आपका किंगडम हुआ करता था दैट इज मगधन किंगडम, मगध का एम्पायर जो था। तो ये मगध के एम्पायर के बारे में आज हम बात करेंगे, किस तरीके से मगध का एम्पायर ही क्यों जो है वो एक इकलौता बचता है जो कि पूरे सम्राट इंडिया के ऊपर रूल करता है, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो शुरू करते हैं। जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब जो महाजनपदास है उनके बीच में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होती है और फाइनली जो मगध एम्पायर है वो इमर्ज होता है एज अ मोस्ट पावरफुल स्टेट के तौर पे। जो मगधा की राइज होती है टू द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी वो बिगेन होती है किसके साथ? बिंबिसारा के साथ। यानी जो मगध एम्पायर को एक तरीके से एस्टेब्लिश करवाया, एक छत्र जिसका राज करवाया, तो वो शुरुआत होती है किसके साथ, कौन से राजा के साथ? बिंबिसार। लेकिन अगर बिंबिसार के साथ शुरू होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बिंबिसारा हैं इन्होंने इसको यहाँ पे मगधन एम्पायर में जो उनकी डायनेस्टी थी हरनक्या डायनेस्टी, हर यन का
हरियन का जो डायनेस्टी उन्होंने स्थापित की थी, तो ऐसा नहीं है कि ये जो हरियन क्या डायनेस्टी है वो बिम्बिसार ने एस्टेब्लिश किया, नहीं, क्योंकि जो महावंशा है ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि इनको राजा के तौर पे एनोइंट, यानी एक तरीके से इनको राजगद्दी दी गई थी इनके फादर के द्वारा एट द एज ऑफ 15। तो इससे क्या समझ में आया कि इन्होंने फाउंड नहीं की थी हिरण्यकश्यप डायनेस्टी, फाउंड इनके फादर या ग्रैंड फादर के द्वारा की गई थी। फाइन, तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको कंक्लूड करूं, मगध जो एम्पायर है उसका पॉलिटिकल सुप्रीमेसी स्टार्ट होता है हिरण्यकश्यप डायनेस्टी, और उसमें भी बिम्बिसार के साथ। जो हिरण्यकश्यप डायनेस्टी है उसने जो क्या कहते हैं जो उसके बिम्बिसार थे उन्होंने रूल किया है लगभग 52 इयर्स, और ये 15 साल की उम्र पे राजा बन गए थे, ये पता चलता है महावंशा एक जो किताब है उसके थ्रू। बिम्बिसार जो थे वो क्या कहते हैं, ऐसा बोला जाता है ये कंटेम्पररी थे, मतलब जिस टाइम पे बुद्धा भगवान और महावीरा भगवान रहे होंगे उसी टाइम पे ये भी राजा थे, तो यानी दोनों एक, मतलब ये पैरेलल ही उसी सेम एज के या युग के ये लोग थे, ठीक है। उसके अलावा आगे ऐसा बोला जाता है कि ये पेड इक्वल रिस्पेक्ट टू देम, मतलब ऐसा नहीं है कि एक को वो ज़्यादा प्रेफर करते हो ओवर दी अदर, ऐसा नहीं था। तो चाहे बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो उन्होंने इक्वल रिस्पेक्ट दिया है। बिम्बिसार मेड मगध द पैरामाउंट पावर, मतलब एक, एक जिसका एक छत्र राज था मगध एम्पायर का, तो ये हुआ है बिम्बिसार के कार्यकाल में। बिम्बिसार ने थ्री प्रोंग पॉलिसी का इस्तेमाल किया था, थ्री प्रोंग पॉलिसी मतलब जो उन्होंने मगध को एकदम सबसे सर्वोच्च बनाने के लिए ऐसी पॉलिसी थी जिसमें तीन चीज़ें थी, एक तो मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब शादी करके एरिया को अपने अंडर में लेके आना, दूसरा जो भी स्ट्रांग रूलर्स थे उनके साथ दोस्ती करना, और तीसरा जो वीक नेवर्स थे मतलब जो कमजोर खिलाड़ी थे उनको उनके ऊपर चढ़ाई कर देना, उनके साथ युद्ध करके उनको जीत लेना। तो ये उनकी थ्री प्रोंग पॉलिसी थी। अब जैसा कि हमने देखा कि हिरण्यकश्यप डायनेस्टी मगध एम्पायर के ऊपर, मगध क्या है जगह का नाम है, उस जगह पे आ गई हिरण्यकश्यप डायनेस्टी, ये उसकी लोकेशन है आपका, ठीक है, मगध एम्पायर की जो लोकेशन है वो ये रही। फाइन, तो ऐसा बोला जाता है जो हिरण्यकश्यप डायनेस्टी थी, अब आप देखेंगे मगध एम्पायर पे एक एक करके डायनेस्टीज आएंगी, तो सबसे पहली जो डायनेस्टी आती है वो आती है आपकी हिरण्यकश्यप डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर हैं, ऐसा माना जाता है कि जो बिम्बिसार के ग्रैंड फादर थे वो इसके फाउंडर रहे होंगे, लेकिन जो एक्चुअल फाउंडेशन है मतलब जो कंसोलिडेशन किया गया होगा वो बिम्बिसार के द्वारा किया गया है, और इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 554 से लेके 492 तक, यानी 52 साल इन्होंने राज किया। इनके टाइम पे जो मगध एम्पायर है उसकी कैपिटल हुआ करती थी राजगृह, राजगृह को एक और नाम से जाना जाता था, दैट इज ग्रीवराज। किस नाम से जाना जाता था? ग्रीवराज। अभी इसकी मैं लोकेशन भी आपको दिखा दूंगा। उसके अलावा ये जो राजगृह जो कैपिटल थी ये जो है इसको पांच जगह से हिल्स ने घेर रखा था, तो इसीलिए इसकी जो लोकेशन है वो काफी अच्छी लोकेशन थी। द ओपनिंग इन विच वर दी क्लोज बाई दी स्टोन वॉल्स ऑन ऑल दी साइड्स। इसके अलावा अर्लियर जो आपका मगध एम्पायर था या ये जो हिरण्यकश्यप डायनेस्टी थी, इनकी पहले राइवलरी थी किसके साथ? अवंती के जो किंग थे प्रद्योता, उनके साथ राइवलरी थी, लेकिन बाद में उनकी दोस्ती हो गई थी, और बिम्बिसार ने अपने जो रॉयल फिजिशियन थे वो भी उनकी कैपिटल जो अवंती की कैपिटल उज्जैन थी, तो वहां पे अपने रॉयल फिजिशियन जिनका नाम है जीविका उनको भेजा था अलोंग दी दक्षिण पाथ टू अवंती व्हेन प्रद्योता हैड जॉन्डिस। उसके अलावा बिम्बिसार ने अंगा का जो एम्पायर था, अंगा का एम्पायर की अगर हम लोकेशन की बात करें तो वो यहाँ पे है आपका, अंगा का एम्पायर जो था उसको भी कॉन्कर किया था। उस टाइम पे जो अंगा के रूलर थे उनका नाम था ब्रह्मदत्त। अंगा और उसकी जो कैपिटल थी, अंगा की कैपिटल थी लास्ट लेक्चर में बताया था चंपा, तो अंगा की जो कैपिटल थी या जो चंपा थी वो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनलैंड मैरीटाइम ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा, इनलैंड और मैरीटाइम ट्रेड के लिए अंगा की लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके बाद तो अभी हम दो चीज़ें देख चुके हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने क्या बात की कि अवंती के साथ जो इनकी दुश्मनी चल रही थी उस दुश्मनी को चेंज करके दोस्ती में चेंज किया, यानी जो उनके राजा थे प्रद्योता उनके साथ दोस्ती की, और दोस्ती के ही तौर पे जो उनके रॉयल फिजिशियन हुआ करते थे जीविका उनको भेजा था उज्जैन जो कि अवंती की कैपिटल थी। उसके अलावा अंगा के ऊपर इन्होंने अंगा को कॉन्कर किया, और उसको कॉन्कर करने के बाद ये फायदा हुआ कि जो इनलैंड ट्रेड के लिए जो लोकेशन चाहिए थी या मैरीटाइम ट्रेड के लिए जो लोकेशन थी अब वो मगध एम्पायर के पास आ गई थी। उसके अलावा इन्होंने अपनी पोजीशन को और ज़्यादा कंसोलिडेट या स्ट्रेंथन किया, कैसे? तीन मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए, ठीक है, मतलब तीन शादियां की, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। नाउ मैरिज रिलेशंस विद द डिफरेंट प्रिंसली फैमिली गिव इनॉर्मस
डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज एंड पेव द वे फॉर एक्सपेंशन ऑफ मगध वेस्टवर्ड एंड नॉर्थवर्ड। कैसे हुआ? देखिए, जो इनकी पहली वाइफ थी वो थी कौसाल रीजन से, जिनका नाम था महाकौसाला। ठीक है, ये प्रसन्नजीत की सिस्टर थी और ये डाउरी में अपने साथ काशी को लेके आई थी। उसके अलावा दूसरी जो इनकी शादी हुई वो थी लिच्छावी प्रिंसेस चेलना, जो वैशाली से थी, और वैशाली के साथ ही जो बिंबिसार है उनका बेटा हुआ अजातशत्रु, जो आगे जाके हिरण्यकश्यप डायनेस्टी को आगे लेके जाएगा। और तीसरी जो इनकी शादी हुई थी वो हुई थी पंजाब में एक मद्रा क्लैन हुआ करता था उनकी बेटी से। तो ये इनके तीन मैट्रिमोनियल अलायंस हैं। तो हमने देखा किस तरीके से जो इनकी थ्री प्रोंग्ड पॉलिसी थी मगध एम्पायर को एकदम सर्वोच्च बनाने के लिए, एक तो पावरफुल लोगों से दोस्ती करना यानी अवंती से इन्होंने दोस्ती की, कमजोर लोगों को जीता यानी अंगा को इन्होंने जीत लिया, और तीसरा मैट्रिमोनियल अलायंस, तो इन्होंने तीन शादियां की जिससे मगध एम्पायर को और ज्यादा डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज मिली। अब बात करते हैं हिरण्यकश्यप डायनेस्टी के दूसरे रूलर के बारे में, जो कि आपके अजातशत्रु। अजातशत्रु ने टोटल 32 साल राज किया था, ये आए थे आपके 1492 में और इन्होंने राज किया 1460 BC तक। ठीक है, अजातशत्रु जो हैं वो बिंबिसार के बेटे थे और ये बहुत ज्यादा इंपेशेंट थे रूल करने के लिए, मतलब इनको राजा बनना था भैया बहुत जल्दी। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही अपने फादर को मारा था और थ्रोन को हत्या लिया था, राजगद्दी को हत्या लिया था। ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो ये हमने समझ लिया, ये है अपने अजातशत्रु। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एग्रेसिव रूलर हुआ करते थे ऐसा माना जाता है हिरण्यकश्यप डायनेस्टी के, और इन्होंने अपने फादर की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी उसी को ही अपनाया, लेकिन किस माध्यम से? मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, मतलब इन्होंने चढ़ाई कर दी, हर किसी से लड़ाई करना शुरू कर दिया। जो इनकी माँ थी, जो एक माँ महाकौसाला, ठीक है, महाकौसाला जो थी वो कौसाल रीजन से थी, कौसाल रीजन ये रहा, तो इन्होंने कौसाल को भी एनेक्स कर लिया था, जो कि प्रसन्नजीत जहां पे राज किया करते थे, प्रसन्नजीत की जो सिस्टर थी कौसाला, तो इन्होंने उसी राज्य पे चढ़ाई कर दी, उसको जीत लिया। नाउ ही फर्स्ट केम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विथ हिज मैटरनल अंकल, यानी जो इनके मामा थे प्रसन्नजीत, उनके संग पहले ये लड़ाई में आए। हु वॉज एग्रीव्ड बाई द ट्रीटी, और एक्चुअली इस लड़ाई का मेन कारण ये क्या था कि अजातशत्रु ने अपने फादर बिंबिसार को मारा था, तो ये इनके बीच में थोड़ा सा टकराव शुरू हो गया था। और दूसरी बात, उन्होंने जो प्रसन्नजीत थे उन्होंने बोला कि भैया जो काशी को हम लोगों ने, काशी की जो टेरिटरी थी जो हमने डाउरी के तौर पे दी थी, उन्होंने वो वापस मांगी थी, लेकिन अजातशत्रु ने मना कर दिया और इसके बाद फिर बैटल वगैरह हुआ। इट वॉज ओनली आफ्टर अ फियर्स बैटल दैट प्रसन्नजीत एग्रीड टू लीव काशी विथ मगध। तो ये मेन कारण था उस लड़ाई का। उसके अलावा सिमिलरली उन्होंने अपने जो ग्रैंडफादर थे, यानी जो उनकी माँ थी चेलना, तो उनके जो ग्रैंडफादर यानी चेतक हुआ करते थे उसके साथ भी उन्होंने फाइट की और 16 साल तक ये युद्ध चलता रहा। उसके बाद जो वैशाली का एम्पायर था, अगर आप लोकेशन देख रहे हो तो ये देखो, ये है अपना कौशाल का रीजन, ठीक है, उसके बाद जो वैशाली वाला रीजन था आपका यहाँ पे आ जाता है। ये देखो, ये तो हो गया राजगृह, ये है आपका अंगा, और यहीं पे आपका वैशाली है कहीं पे, इसमें एक्चुअली क्लियरली दिख नहीं रहा है, जब आप इसको बड़ा करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो जो वैशाली वाला रीजन था तो ये भी इन्होंने एक्वायर कर लिया फाइनली। नाउ देयरफॉर ही नॉट ओनली रिटेन्ड काशी बट ऑल्सो एडेड वैशाली टू दी मगध, इस तरीके से। तो यानी हमने देखा कि जो अजातशत्रु था, जो कि जिसने अपने फादर की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई थी, उसने किस तरीके से मगध एम्पायर को और ज्यादा एक्सपेंड किया। सबसे पहले जो कौशाल वाला एम्पायर था उसके संग इन्होंने लड़ाई की और लड़ाई का नतीजा ये निकला कि काशी को वो रिटेन कर पाए। उसके अलावा जो उनके ग्रैंड फादर हुआ करते थे चेतक, उनके साथ उन्होंने लड़ाई की और उस लड़ाई का फलस्वरूप उनको क्या हुआ कि उनको वैशाली का जो टेरिटरी था उसको उन्होंने एनेक्स कर लिया और उसको मगध एम्पायर में इंक्लूड कर दिया। ऐसा बोला जाता है इन्होंने दो जो है मिलिट्री वेपन्स को भी इनोवेट किया था। एक था वॉर इंजन, जिसके माध्यम से पत्थर फेंके जाते थे, ये है वो वॉर इंजन। इसी को, जो वॉर इंजन का नाम है इसको बोला जाता था महाशिला कंटका। तो इस पेपर में पूछा जा सकता है कि भैया व्हाट इज महाशिला। महाशिला एक तरीके से आप ये समझ लो पत्थर है, और कंटका यानी पत्थर फेंकने वाली मशीन, वॉर मशीन। दूसरा था एक ऐसा चैरियट जिसके आगे ना ऐसे तलवार लगी हुई थी फॉर मास किलिंग, तो इसको बोलते थे रथ मूसला। क्या बोलते थे? रथ मूसला, RATH, रथ मूसला। ये भी एक तरीके से ये समझ लो उस टाइम की वॉर टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा इन्होंने राजगृह का फोर्टिफिकेशन करवाया
क्योंकि इनको ये डेंजर था कि जो अवंती के रूलर हैं प्रद्योता, वो शायद इन्वेजन वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने जो कौसाम्बी के वत्सा थे उनको भी हराया था, कौसाम्बी में जो वत्सा लोगों का राज्य था उसको भी हराया था। और जो बुद्धा जी हैं उनकी भी डेथ इन्हीं के रीन में हुई थी, मतलब जब इनका कार्यकाल चला था उसी दौरान बुद्धा जी की डेथ हुई थी, और इसके बाद उन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करवाया था। याद रखना, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुई थी, आपकी राजगृह में हुई थी, याद रखना। और ये किसने कंडक्ट करवाई थी, अंडर दी पेट्रोनेज ऑफ अजात शत्रु। सिमिलरली दूसरी जो हुई थी वो वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई, चौथी कश्मीर में हुई। जो चार बुद्धिस्ट काउंसिल की हम लोग बात करते हैं, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई थी, जो कुशांस ने करवाई थी, ठीक है। कुशांस के जो एक रूलर हुआ करते थे कनिष्क, उन्होंने इसको कंडक्ट करवाया था। तीसरी वाली जो पाटलिपुत्र में हुई थी, उसका जो पेट्रोनेज उस टाइम पे जो रूलर हुआ करते थे वो मौर्यन डायनेस्टी के अशोका हुआ करते थे। सेकेंड वाली जो वैशाली में हुई थी वो करवाई गई थी काल अशोक के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से इनको याद रखना। अब बात करते हैं इसके बाद जब आपके अजात शत्रु जाते हैं एम्पायर छोड़ के, यानी 460 बीसी में, फिर आते हैं आपके उदयभद्र, जिनको उदयन के नाम से भी जाना गया है। इनका जो कार्यकाल था वो 460 बीसी में से लेके 444 बीसी तक रहा, ठीक है। 444 बीसी तक ये इनका कार्यकाल आपका रहा, यानी 16 साल तक इन्होंने राज्य किया था। तो ये रही इनकी ऐसी कुछ कहानी। बात करते हैं उदयभद्र के बारे में या उदयन के बारे में। उदयन ये वही राजा हैं जिन्होंने मगध एम्पायर की नई कैपिटल को फाउंड किया था, जिसका नाम है पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र की लोकेशन है। तो पाटलिपुत्र जो आज मॉडर्न डे पटना है, नई कैपिटल किसके द्वारा फाउंड की गई थी, उदयन के द्वारा। उदयन किस डायनेस्टी के राजा हैं, तो ये हैं हरयन का डायनेस्टी के राजा। जो पाटलिपुत्र कैपिटल थी ये थी गंगा और सोन नदी के जहां पे कॉन्फ्लुएंस होता उस पे बनी हुई थी। पाटलिपुत्र की काफी अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी और इससे जो मगध एम्पायर था वो एकदम सेंट्रल में आ गया था, ठीक है। उसके अलावा ये ऐसा माना जाता है कि उदयन का मर्डर करवाया गया था एट द इंस्टिगेशन ऑफ पलक, जो कि क्या कहते हैं अवंती के राजा हुआ करते थे। तो इस तरीके से हमने हरणक्या डायनेस्टी में देखा किस तरीके से बिंबिसार आते हैं, बिंबिसार के बेटे अजात शत्रु आते हैं, और फिर इनके बाद आते हैं उदयन। तो ये हो गई पूरी कहानी। अब हरणक्या डायनेस्टी खत्म होती है और फिर आती है शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, क्लियर है। जिसका अगर हम बात करें टाइमलाइन, तो जो चलती है 413 बीसी से लेके 345 बीसी तक। शिशुनाग डायनेस्टी की अगर हम बात करें, तो शिशुनाग जो थे, जो बंदा था, पहले तो इसका ये देख लो आप, जो मगध एम्पायर है वो किस तरीके से एक्सटेंड हो रहा है। तो पहले जो सिर्फ इतना सा था, फिर बाद में जब बत्सा और क्या कहते हैं ये अवंती वगैरह को इन्होंने जब एक्वायर किया, तो इस तरीके से एक्सपेंड होने लग गया था। अच्छा, शिशुनाग की अगर हम लोग बात करते हैं, शिशुनाग पहले वाइसरॉय हुआ करते थे। वाइसरॉय या अमात्य बोल लीजिए संस्कृत में, जिसका मतलब होता है हाई रैंकिंग ऑफिशियल। तो क्या थे, वाइसरॉय थे, कहाँ के, बनारस के, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ, जब जो लोगबाग थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आई। क्यों गुस्सा आई, क्योंकि उन्होंने देखा किस तरीके से जो हरणक्या डायनेस्टी में पेरिसाइड चल रहा है, मतलब पिता को मार के बेटा जो है राजा बनना है, इस चीज को देख के लोगबाग बड़े तंग आ गए थे। तो उन्होंने क्या किया, शिशुनाग को राजा के तौर पे अपॉइंट कर लिया, राजा मान लिया, क्लियर है। और इन्होंने शिशुनाग ने क्या किया था, टेम्पररी कुछ टाइम के लिए जो कैपिटल थी, जैसे पहले राजगिरा रही, फिर पाटलिपुत्र रही, पाटलिपुत्र के बाद इन्होंने कुछ टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए वैशाली में कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था। अगर इनके हम शिशुनाग के सबसे बड़े अचीवमेंट की बात करें, तो इन्होंने अवंती को हराया था। अवंती जहां पे प्रद्योता डायनेस्टी चली आ रही थी, तो उसको इन्होंने डिफीट किया था और मगध एम्पायर का पार्ट बना लिया। तो हमने देखा किस तरीके से स्टार्टिंग बिंबिसार से शुरू होती है, किस तरीके से धीरे धीरे एम्पायर को बढ़ाया जा रहा। बिंबिसार ने सिर्फ अंगा को एनेक्स किया था, अजात शत्रु आते हैं तो उन्होंने तो भैया वैशाली को भी कर लिया, काशी को रिटेन कर लिया, अंगा तो ऑलरेडी आ चुका था, बत्सा को कर लिया। फिर आपके उदयन भाई साहब आते हैं, वो पाटलिपुत्र को लेके पाटलिपुत्र को कैपिटल बना देते हैं। अब आए आपके शिशुनाग डायनेस्टी, उसके जो शिशुनाग डायनेस्टी के शिशुनाग थे, इन्होंने अवंती को एक्वायर कर लिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो मगध एम्पायर जो है वो एक्सपेंड होता जा रहा है। तो इसी के साथ जैसे ही अवंती को एक्वायर किया जाता है, तो जो मगध और अवंती के बीच में
100 साल पुरानी राइवलरी चल रही थी वो खत्म होती है। शिशुनाग जाते हैं, शिशुनाग के बाद आते हैं उनके बेटे। तो जो शिशुनाग का सक्सेसर था वो उनका बेटा ही था जिसका नाम था काल अशोक, जिसने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में ऑर्गेनाइज करवाई थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो वैशाली में क्यों हुई, क्योंकि जो राजा थे उनकी जो कैपिटल थी वो वैशाली थी, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं, इनका एक पुराणों में जो कालाशोक है इसका एक और नाम दिया गया है, दैट इज काकावर्णा, काकर वर्णा, तो ये इनका एक और नाम है, याद रखना। तो अभी हम दो डायनेस्टियों को पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा हरणक्या डायनेस्टी, उसमें पढ़े हमने तीन रूलर, बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयन। फिर उसके बाद हमने हरणक्या डायनेस्टी को देखा किस तरीके से वो रिप्लेस होती है, क्यों रिप्लेस होती है, और आती है आपकी शिशुनाग डायनेस्टी। इसमें हमने दो राजाओं के नाम पढ़े, शिशुनाग और काल अशोक। अब इसके बाद इनको रिप्लेस करके आएगी तीसरी डायनेस्टी, दैट इज नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी जो है वो पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी है, मतलब अभी तक जो राजा बन रहे थे वो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय वर्णा से बिलोंग करते थे, लेकिन जो नंदा डायनेस्टी आएगी वो क्षत्रिय से बिलोंग नहीं करेगी। भैया इनकी कहानी जो है वो शुरू होती है 345 से लेके 321 BCE तक, ठीक है, नंदा डायनेस्टी की। तो भाई जो आपके नंदा डायनेस्टी आई है आपकी, उसमें सबसे पहले जो रूलर आते हैं दैट इज महापद्म नंदा, ये पहले रूलर है महापद्म नंदा। देख रहे हो किस तरीके से मगध एम्पायर बड़ा होता गया है, अब इतना बड़ा हो गया मगध एम्पायर आपका, क्लियर है। यहाँ पे ये आपकी राजगिरा है, ये पाटलिपुत्र है, लोकेशन आपको याद रखनी होगी इस तरीके से। तो जो महापद्म नंदा है, अगर हम पाली टेक्स्ट, पाली एक लैंग्वेज है उसमें लिखे हुए कुछ टेक्स्ट की बात माने तो इनको उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था, उग्रसेन। और उग्रसेन क्यों बोला जाता था, क्योंकि इनकी जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी आर्मी थी। एक ब्रह्मिकल टेक्स्टों की बात माने तो ऐसा बोला जाता है कि भैया या तो ये बहुत छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे या फिर कम से कम ये नॉन क्षत्रिय कास्ट से तो बिलोंग करते ही करते थे। अगर हम पुराण जो है, पुराण की अगर बात माने तो ये जो महापद्म नंदा है ये बेटे थे, किसके बेटे थे, शिशुनाग डायनेस्टी का कोई राजा रहा होगा और एक शूद्र वूमेन रही होगी, उनके बीच में जो भी संबंध हुआ और उसके बाद जो बेटा हुआ वो बेटा है कहलाया महापद्म नंदा। तो इसीलिए इनको जो नंदा डायनेस्टी है या नंदाज हैं इनको आधर्मिका माना जाता है। आधर्मिका मतलब जिनका ऐसे लोग जिनका जन्म धर्म का पालन करके ना हुआ हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की माने तो नंदास जो हैं वो अनाथ कुल हैं, अनाथ कुल, अनाथ कुल, यानी अनाथ कुल का मतलब जिसके कुल का पता ना हो, अननोन लीनिएज। तो इससे तो ये स्थापित होता है कि आइदर या तो ये नॉन क्षत्रिय हैं या बहुत छोटी कास्ट के हैं। तो हमने देखा कैसे कैसे ब्रह्मनिकल टेक्स्ट कहता है या तो ये छोटी कास्ट के हैं या नॉन क्षत्रिय हैं। पुराण की बात माने तो या तो ये शिशुनाग डायनेस्टी का कोई राजा रहा होगा और क्या कहते कोई शूद्रा औरत रही होगी, उनका बेटा जो हुआ वो नंदा कहलाया। या फिर तीसरी बात बुद्धिस्ट टेक्स्ट की माने तो इनको अनाथ कुल बोला गया, क्लियर हो गया। अब महापद्म नंदा जो है द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया, इनको फर्स्ट एम्पायर बिल्डर बोला गया एंड क्लेम टू बी दी एकराट। एकराट का मतलब क्या हो गया, सोल सोवरेन हु डिस्ट्रॉयड ऑल अदर रूलिंग प्रिंस एंड सर्व शतरंग तक, मतलब अपरूटर ऑफ दी क्षत्रियस, यानी एक तरीके से सारे क्षत्रियों को इनका विनाश करने वाला। तो याद रखना ये है अपने महापद्म नंदा, क्या बोला गया इनको, एक तो फर्स्ट एम्पायर बिल्डर बोला गया यानी एकराट का इनको टाइटल दिया गया। एकराट का मतलब होता है सोल सोवरेन, जो सबसे ऊपर है, इकलौता सोवरेन, या फिर सर्व क्षत्रंतक मतलब जिन्होंने क्षत्रियों का वध किया हो। उसके अलावा इन्होंने मगध एम्पायर में, अब ये ऐड करते हैं कलिंग के एम्पायर को, कलिंगा का जो एम्पायर था वो उसकी लोकेशन यहाँ कहीं पे है, तो इन्होंने कलिंगा के एम्पायर को ऐड कर लिया मगध में। उसके अलावा ये जो जो मगध सॉरी कलिंगा में जो जिन्ना की जो इमेज थी उसको ये एज अ विक्ट्री ट्रॉफी के तौर पर लेके आए। उसके अलावा इन्होंने कौशाल को भी एक्वायर कर लिया था, तो कौशाल की लोकेशन ये रही जो कि ऑलरेडी हमने देखा था, कौशाल वाला जो रीजन था वो अजात शत्रु के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट में भी आया था, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा लूज हो गया हो या वहां के लोग लड़ाई कर रहे हो, तो इन्होंने उसको भी एक्वायर किया दोबारा से।
उसके अलावा एक और अच्छी बात की जाती है कि जो टैक्सेस का कलेक्शन था इसको इन्होंने काफ़ी मेथडोलिकल कर दिया था बाय रेगुलरली अपॉइंटिंग दी ऑफिशियल्स। उसके अलावा इन्होंने काफ़ी कैनाल्स बनवाए, इरीगेशन के काम किए। तो ये थे आपके महापद्म नंदा। हमने जाना क्या थी नंदा डायनेस्टी की शुरुआत, उसके बाद हमने देखा कि महापद्म नंदा का क्या कंट्रीब्यूशन है मगध एम्पायर के एक्सपेंशन में। अब बात करते हैं धनानंदा के बारे में। धनानंदा जो हैं वो नंदा डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर थे, लास्ट किंग थे। और नंदा एम्पायर की बात करें तो आप देख रहे हो कितना बड़ा हो गया नंदा एम्पायर। तो ये लास्ट इंपॉर्टेंट किंग थे नंदा डायनेस्टी के, और इनको आइडेंटिफाई किया जाता है जो ग्रीक क्लासिक राइटर्स हैं उसमें उन्होंने दो नाम मेंशन किए हैं, या तो एक अग्रामे या जेंड्रेम्स। तो उसके साथ आइडेंटिफाई किया जाता है कि ग्रीक राइटर ने जो ये दो नाम लिखे हैं ये दो नाम किसी को नहीं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, धनानंदा को। इनके फादर की तरह इनकी भी काफी बड़ी आर्मी थी, और ऐसा माना जाता है कि जो अलेक्जेंडर था उसने पंजाब को जब अटैक किया था वो तभी अटैक किया था जब धनानंदा एम्पायर पे मतलब राज किया करते थे, उस टाइम पे अलेक्जेंडर ने अटैक किया होगा। बट उसकी जो आर्मी थी, जो धनानंदा की ह्यूज आर्मी थी, उसने अलेक्जेंडर को ज़्यादा अंदर नहीं आने दिया। उसके अलावा इनको एक और क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने इन्वेंशन किया था किसका, नंदोपक्रामनी क्या है ये, एक तरीके से नापने के लिए एक टूल कह लीजिए वो है। तो क्या है, नंदोपक्रामनी, ठीक है, ये किसने इन्वेंट किया, धनानंदा ने, ठीक है। उसके अलावा ऐसा माना जाता है जो धनानंदा था वो काफी एरोगेंट और ऑप्रेसिव रूलर हुआ करता था, काफी हैवी टैक्सेस भी लगाता था, और उसका ग्रीड और एक्सप्लॉयटेशन को देखते हुए वो काफी अनपॉपुलर था। अनपॉपुलर मतलब लोग वह काफी उससे परेशान थे, और इसीलिए एक्चुअली इन्हीं के, ऐसा बोला जाता है जो कौतल्य था ना, यानी विष्णु गुप्ता के नाम से जिनको जानते हैं हम लोग, ठीक है, तो जो कौतल्य जी थे, चाणक्य, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य, वो इन्हीं के पास आया था कुछ काम के लिए, मतलब वो इनका दोस्त हुआ करता था, और वो इनके पास आया था कुछ चीज को मांगने के लिए, जिसके लिए धनानंदा ने मना कर दिया था और उनकी खूब बेइज्जती की थी, जिसके बाद वो गुस्सा होकर चले गए थे, और फिर उन्होंने चंद्रगुप्त जो है उसको ट्रेनिंग दी थी और उसको रिप्लेस किया था, नंदा डायनेस्टी को रिप्लेस करके मौर्यन एम्पायर की स्थापना की थी, ऐसा कुछ है। तो ये अपने ग्रीड और एक्सप्लॉयटेशन के लिए जाने जाते थे। कौतल्य के गाइडेंस में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कहते हैं इस डायनेस्टी का खात्मा किया था, और नंदा रूल को खत्म करके मौर्यन एम्पायर को की स्थापना की थी। अब आप देख रहे हो जब मगध एम्पायर पे जब मौर्यन डायनेस्टी आती है तो एम्पायर कितना बड़ा हो गया, समझ रहे हो। धीरे धीरे मैं आपको ये जो साइड में मैप चल रहा है उससे यही दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मगध एम्पायर जो है वो बिल्डअप हो रहा है, किस तरीके से मगध एम्पायर का एक्सपेंशन हो रहा है। अब आती है मौर्यन डायनेस्टी 321 BC में। सबसे पहली बात तो अब हम मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ें, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भैया इतनी जो हम देख रहे हैं एक एक करके जितने भी आपके बाकी के महाजनपदास हुए करते थे, चाहे कौसाल हो, कासी हो, अंगा हो, वत्सा हो, अवंती हो, है ना, एक एक करके इनको कैसे मगध एम्पायर हटा पाया, क्यों हटा पाया। तो देखिए इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि जो मगध की ज्योग्राफिकल पोजीशन थी वो काफ़ी एडवांटेजियस थी। किस तरीके से एडवांटेजियस थी, क्योंकि जहां पे वो स्थापित था वहां पे बहुत ही ज्यादा आयरन के डिपॉजिट्स थे, क्योंकि उसकी जो लोकेशन थी वो बिहार के साउथ बिहार के आसपास थी, और वहां पे बहुत ही ज्यादा आयरन के डिपॉजिट मिलते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मगध के वेपन्स हुआ करते थे मगध एम्पायर के, वो काफी अच्छी क्वालिटी के हुआ करते थे। उसके अलावा जो भी उसकी दोनों कैपिटल थी, चाहे राजगृह कह लो या पाटलिपुत्र कह लो, दोनों की दोनों काफी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे लोकेशन थी, लोकेटेड थी। जैसे कि राजगृह है तो उसको पांच जगह से हिल्स ने घेर रखा था, तो एक तरीके से नेचुरल फोर्टिफिकेशन था, तो कोई भी जो कोई जो एम्पायर था वो उनके ऊपर हमला नहीं बोल सकता था इतनी आसानी से। सिमिलरली अगर पाटलिपुत्र की बात करें तो जो पाटलिपुत्र का किला था वो वाटर फोर्ट था, मतलब वो इस तरीके से बना हुआ था कि दोनों तरफ से नदियां निकल रही हैं, तो कोई भी आर्मी आके उनके ऊपर हमला नहीं कर सकती थी। तो क्या हो गया, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी दैट वॉज वेरी एक्सेलेंट, दैट वॉज वेरी एडवांटेजियस। दूसरा रीजन था कि जो मगध एम्पायर था वो जो गैंगेटिक प्लेन है उसके बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ की जमीन थी वो काफ़ी फर्टाइल थी, काफ़ी उपजाऊ थी, और रेनफॉल भी अच्छी खासी होती थी, तो इसीलिए वहाँ पे जो अनाज है वो अनाज वगैरह बहुत अच्छे से होता था, ठीक है। तो फर्टाइल रिवर प्लेन्स होने की वजह से एग्रीकल्चर सरप्लस था, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो आर्मी थी
उसको उसको रेज करने में, उसको मेंटेन करने में काफ़ी आसानी हो जाती थी। उसके अलावा वहाँ पे जो फॉरेस्ट हुआ करते थे, वहाँ पे बहुत अच्छी किस्म की टिम्बर क्वालिटी, एलिफेंट्स वगैरह होते थे, जिसकी वजह से मिलिट्री का एडवांटेज मिल जाता था, समझ गया, क्योंकि बाकी के जो महाजनपद थे उनके पास सिर्फ घोड़े थे या रथ थे, लेकिन मगध एम्पायर के पास हाथी हुआ करते थे। तो ऐसा बोला जाता है कि जो मगध एम्पायर है वो पहला ऐसा स्टेट था जो एलिफेंट को लार्ज स्केल पे इस्तेमाल करता था। ये एलिफेंट का ये फायदा होता था कि जो दूसरे दुश्मन हैं उनके किलों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या जहाँ पे रोड नहीं है ऐसी कच्ची सड़कों पे भी एलिफेंट का इस्तेमाल किया जाता था एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो दिस इज द सेकेंड रीजन कि मतलब जो उसकी लोकेशन थी वो कहाँ पे थी, मिडिल गैंगेटिक प्लेन, जहाँ की जो जमीन है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, चाहे वहाँ से उनको एग्रीकल्चर के सामान मिल रहे हों या फॉरेस्ट रिसोर्सेज मिल रहे हों, एलिफेंट मिल रहे हों, तो ये सारे फायदे थे। तीसरा फायदा था कि मगध में जितने भी राजा आए वो काफ़ी एबल और एम्बिशियस हुआ करते थे, मतलब एबल और एम्बिशियस की वो जो कंट्रोल करना है अपने पूरे एम्पायर को वो बहुत अच्छे से किया। जैसे कि बिंबिसार आया, उसने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई, अजातशत्रु आया जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस था, महापद्म नंदा आया जिसने भैया पूरे जो एक तरीके से जिसने एकराट का टाइटल यानी पूरा सोल सोवरेन पूरे भारत का जो सब कॉन्टिनेंट था उस पर एक छत्र राज किया, उसने सारे के सारे क्षत्रियों को निपटा दिया। तो यानी जितने भी ये यहाँ पे रूलर्स आए उन्होंने सारे फेयर एंड फाउल मींस का इस्तेमाल करते हुए जो अपना किंगडम है उसको इनलार्ज किया। चौथा जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो था ट्रेड का, कि भैया यहाँ पे एक तो ट्रेड को काफ़ी बढ़ावा दिया गया, टाउन्स इस्टेब्लिश किए गए, मेटल मनी का इस्तेमाल किया गया, टोल्स लगाए गए सामान पे, तो जिससे क्या हुआ जो मगध की ट्रेजरी थी जो खजाना था उसमें खूब सारे पैसे आते गए, जिसकी मदद से जो आर्मी थी उसको मेंटेन करने में आसानी हुई। और जो आखिरी जो कैरेक्टर था कि मगधन सोसाइटी थी वो काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स हुआ करती थी। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या है कि जैसे बाकी एम्पायर हैं तो वो लिमिटेड थे भैया, कि उनकी कन्वेंशनल सोच होती थी। कन्वेंशनल सोच का मतलब कि सिर्फ ऐसा ही करना है, अगर इसके अलावा कुछ किया तो वो पाप हो जाएगा। लेकिन ये लोग काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स, मतलब ये एकदम फ्री थॉट प्रोसेस वाले लोग हुआ करते होंगे, जिसकी वजह से इन लोगों ने नए नए मींस का इस्तेमाल किया और अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। तो हमने देखा कि भैया क्या वो पांच कारण थे जिसकी वजह से जो मगध नाम का महाजनपद था वो एकदम सर्वव्यापी हो पाया, एक लौता एक छत्र जिसने राज किया। तो हम देख चुके हैं भैया मगध एम्पायर तो आ गया सेंटर स्टेज पे, जिसमें हमने सारी डायनेस्टी और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन देखे कि किस तरीके से उन्होंने मगध एम्पायर को एक्सपेंड करवाया। और हमने बात की कि कैसे मौर्यन एम्पायर जो मौर्यन डायनेस्टी है वो आके स्थापित हुई है। मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बाकी बाद में बात करेंगे। अब एक और पैरेलली साइड में एक और काम चल रहा है, जैसे अगर आपका ये सम्राट भारत की अगर हम लोग बात करें, ये आपका अगर भारत इस टाइप से आ रहा है, ठीक है, ये अगर आपका भारत है तो यहां तक आपका पूरा ये पूरा एम्पायर वगैरह एस्टेब्लिश है। लेकिन जो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया है यहाँ पे कुछ अलग पिक्चर चल रही थी। वो पिक्चर क्या चल रही थी उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कौन से लोग थे और यहाँ पे किस तरीके से मैसेडोनियन इन्वेंशन किस तरीके से चल रहा था। तो देखिए जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पे तो जो मगध एम्पायर है वो एकदम फॉर्मिडेबल, एकदम पावरफुल पावर के तौर पर स्थापित हो चुका था। लेकिन ग्रेजुअली स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज एंड रिपब्लिक्स जो हैं वो धीरे धीरे करके मगध एम्पायर से जुड़ती गईं। लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी अलग है, वहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं हो पाया। वहाँ पे कुछ महाजनपद थे जैसे कि कंबोज, मद्रा क्लैन पंजाब का, या गांधार वाला जो एम्पायर था वहाँ पे कंटिन्यूसली लड़ाई चल रही थी, ठीक है। और जो क्या कहते हैं मगध है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अपना साम्राज्य स्थापित कर पाने में सक्षम नहीं हो पाया था। तो इसी पॉलिटिकल डिसयूनिटी का फायदा उठाते हुए जो पर्शियन या ईरानियन एम्पायर थे 6th century BC में, वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो डिसयूनिटी है उसका फायदा उठा के इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। एकेमेड किंग जो एकेमेनिड एम्पायर हुआ करता था उसके एक राजा हैं साइरस, वो ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इन्वेड करने का प्लान बनाया, इन्वेड किया, और इन्हीं के इन्वेजन की मदद से उन्होंने जो मिलिट्री एक्सपीडिशन चलाया तो जो कपीशा नाम की उस टाइम पे सिटी हुआ करती थी उसको डिस्ट्रॉय किया, और काफ़ी जो कंबोज का एम्पायर था या गांधार का एम्पायर था तो उनसे काफ़ी कुछ पैसे वगैरह लूटे या ट्रिब्यूट लिया उनसे। बाद में एक और पर्शियन किंग आए डेरियस, इन्होंने पंजाब को एनेक्स कर लिया। उसके अलावा इंदस का जो वेस्टर्न वाला रीजन है उसको एनेक्स कर लिया, सिंध को एनेक्स कर लिया। फिर उसके बाद तो हमने देखा पहले साइरस आए, फिर डेरियस आए, ये रहे आपके डेरियस, और फिर आए अगर हम बात माने ग्रीक हिस्टोरियन की जिनका नाम है हेरोडोटस,
जिनको वेस्टर्न हिस्ट्री राइटिंग का फादर भी माना जाता है, तो इनकी बात अगर माने तो उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि किस तरीके से जो गांधार का रीजन था वो कितना वेल्दीएस्ट रीजन था। दिस एरिया वॉज दी 20th एंड दी मोस्ट प्रॉस्परस सत्रापी प्रोविंस ऑफ पर्शियन एम्पायर। मतलब जैसे मैंने बताया कि गांधार का जो एम्पायर था वो इनके कंट्रोल में आ चुका था, कंट्रोल में, पर्शियन एम्पायर के कंट्रोल में, एकेमेनिड एम्पायर के कंट्रोल में आ गया था। तो उसी की व्याख्या दी गई है हेरोडोटस के द्वारा। फाइन, तो इसको मैं इसके आगे बढ़ते हैं, जो भी है डिटेल आप वो पढ़ सकते हैं। इट अपीयर्स दैट टिल अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सम कॉन्टिनेंट वॉज अंडर द पर्शियन रूल। ये रहा आपका एकेमेनिड एम्पायर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये आपका कंबोज वाला एम्पायर है महाजनपदा, ये गांधार है आपका, ठीक है, और यहाँ पंजाब वाले रीजन में यहाँ पे हुआ करता था आपका मद्रा क्लैन। क्लियर है? तो ये आपका जो पूरा मगध एम्पायर था वो यहाँ तक स्थापित तो हो गया था इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल डिसयूनिटी और मगध एम्पायर की इनएफिकेसी के चलते हुए यहाँ से जो आपके पर्शियन रूलर्स थे उन्होंने यहाँ पे अटैक करना शुरू किया। सबसे पहले आते हैं साइरस, फिर आते हैं आपके डेरियस, और फिर आपका ग्रीक इन्वेजन होना शुरू होता है। अब हम देखते हैं कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर्शियन रूलर्स के अंडर में आया तो उस पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा इस चीज का, उसके बारे में समझते हैं। तो पर्शियन इम्पैक्ट की बात अगर हम करें तो इंडिया और पर्शिया का कॉन्टैक्ट लगभग जो 200 साल का जो कॉन्टैक्ट था उससे एक तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो हुए ही हुए, उसके अलावा कुछ सोशियो इकोनॉमिक भी इन्फ्लुएंस हुए। सबसे पहली बात तो इंडो पर्शियन ट्रेड और कॉमर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, कल्चरल टाइज इम्प्रूव हुए। इंडिया में जो खरोस्ती स्क्रिप्ट है उसका इंट्रोडक्शन हुआ। आप देखेंगे जब मैं आपको मौर्यन एम्पायर पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा अशोका जो थे उन्होंने बहुत सारे पिलर इरेक्ट किए थे। इन पिलर पे वो क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन यानी कुछ ना कुछ लिखवाते थे। तो उनके कुछ ऐसे पिलर्स हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जहाँ पे उन्होंने खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखवाया गया है। तो एक तरीके से इंडिया में जो खरोस्ती स्क्रिप्ट है उसका इंट्रोडक्शन होता है। खरोस्ती जो स्क्रिप्ट है ये ड्राइव की गई है अरमाइक से। अरमाइक जो है पर्शियन एम्पायर की ऑफिशियल स्क्रिप्ट हुआ करती थी। अरमाइक को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है अरेबिक में, और सिमिलरली खरोस्ती के संग भी वैसा ही था। तो ये एक और हमने देखा, यानी क्या क्या चीजें हुई, एक तो सोशियो इकोनॉमिक चेंज देखने को मिले, पॉलिटिकल चेंज देखने को मिले, ट्रेड और कॉमर्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, कल्चरल टाइज इंप्रूव हुए, खरोस्ती स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुई। जो खरोस्ती के बारे में मैंने आपको बताया वो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो इसी खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। उसके अलावा पर्शिया में उस टाइम पे जो राजा हुआ करता था डेरियस, उसने दो टाइप के कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। दो कॉइन थे, एक तो ये आपके सिग्लोई कॉइन थे और एक शायद कुछ डेरियक नाम के कोई कॉइन हुआ करते थे, वो इंट्रोड्यूस थे। तो जो पर्शियन के सिग्लोई यानी ये सिल्वर के कुछ कॉइन थे, सिग्लोई टाइप के जो कॉइन थे उनको इंडिया में भी कॉपी किया गया। तो आप देख रहे हो कि जो कॉपी मतलब एक तरीके से जो कॉइनेज है न्यूमिस्मेटिक है वहां पे भी हमने उनको कॉपी किया, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, जो कॉइन्स हुआ करते थे उसमें अपना राजा बनाते थे और उसमें कुछ कुछ लिखते थे, सेम कॉन्सेप्ट हमने भी कॉपी किया उनसे। यानी उसके आगे अगर हम बात करें, इट इज पॉसिबल दैट द रॉक इंस्क्रिप्शन यूज्ड बाय द अशोका इन द 3rd century BC वॉज इंस्पायर्ड बाय द पर्शियन किंग डेरियस। जो पर्शिया में डेरियस नाम का किंग था तो वो भी क्या करता था, स्टोन के या रॉक के इंस्क्रिप्शन बनाया करता था। तो ऐसा माना जा सकता है कि अशोका ने इसी से इंस्पायर होकर ये काम किया करना शुरू किया होगा। उसके अलावा जो अशोका के टाइम के मॉन्यूमेंट्स हैं, तो जब हम पढ़ते भी हैं आर्ट एंड कल्चर में, मैंने आपको पढ़ाया है कि जो कैपिटल्स हुआ करते थे, मतलब जो पिलर है पिलर के ऊपर कैपिटल हुआ करता था, तो जो बेल शेप का कैपिटल है वो सब भी इन्हीं से ही, ईरान के इन्फ्लुएंस से ही आया है। तो ये हमारा पर्शियन इन्फ्लुएंस हमारे इंडिया के, एंशियंट इंडिया के ऊपर। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि पहले ईरान का, ईरान वाले जो लोग हैं, ईरानियन एम्पायर्स जो हैं, पर्शियन एम्पायर जो हैं, पहले तो उन्होंने अटैक किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे, और फाइनली हुआ ग्रीक का इन्वेजन। ग्रीक्स में आते हैं आपके अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का इन्वेजन लगभग इस टाइम पे हुआ होगा 327-326 BC में। ऐसा बोला जाता है कि जो अलेक्जेंडर है वो था मैसेडोनिया, यानी जो ग्रीस उस टाइम पे मैसेडोनिया बोला जाता था, वहां के एक राजा हैं फिलिप, उनका बेटा था अलेक्जेंडर जिसने इंडिया को इन्वेट किया 326 BC में। तो जो 4th century थी उस टाइम पे ऐसा माना गया कि जो ग्रीक्स थे और पर्शियन थे इनके बीच में लड़ाई चल रही थी सुप्रीमेसी को लेके पूरे दुनिया भर में।
फाइनली क्या हुआ कि पर्शियन आर्मी जो थी उसको लेड कर रहे थे डेरियस, ठीक है, डेरियस डेरियस उसको लीड कर रहे थे। और ये जो डेरियस हैं, मैंने जैसे कि बताया पहले साइरस आए फिर डेरियस आए, तो ये लोग इंडियन प्रोविंसेस वगैरह में आ चुके थे। लेकिन फाइनली क्या हुआ, अलेक्जेंडर जो है वो इंडिया की तरफ आना शुरू करता है। क्यों क्यों आना शुरू करता है, क्योंकि उसने इंडिया के बहुत ज़्यादा फेबुलस वेल्थ के बारे में सुन रखा था। और उसके अलावा जो अलेक्जेंडर था उसको ज्योग्राफिकल इंक्वायरी को लेके काफ़ी क्यूरोसिटी थी, नेचुरल हिस्ट्री को जानने की काफ़ी इच्छुक था वो। तो इसीलिए भी हो सकता है कि अलेक्जेंडर जो है वो इंडिया की तरफ उसने ट्रैवल करना शुरू किया होगा। दूसरा कारण ये भी है कि जो क्या था कि उस टाइम पे ग्रीक यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है, तो यहाँ ओशियन से आते थे, तो उसको एक और प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी कि भैया ओशियन से ना आके हम डायरेक्ट जमीन से आ जाएं, तो ये प्रॉब्लम भी उसे सॉल्व करनी थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेते हुए जो ये सारी जो रीज़न है, उसके अलावा जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया की वो भी उसके प्लान के मुताबिक थी, कि कोई भी स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं था जो उसको रोक सके। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अलेक्जेंडर जो है भैया इंडिया में आता है। और जो अलेक्जेंडर है वो इंडिया में आता है खैबर पास से 326 बीसी में। अगर हम माने जो टेक्स्ट हैं उनकी अगर बात माने तो ऐसा बोला जाता है कि पूरस के अलावा, जो पूरस ने एक बैटल किया था बैटल ऑफ हैदरस्पेस वाला है, मतलब ये जो है वो एक रिवर का नाम है झेलम का, उस टाइम पर झेलम को हैदरस्पेस बोला गया होगा, तो ये एक बैटल हुआ था। उसके अलावा किसी भी जो जो उस टाइम के राजा महाराजा हुआ करते थे उन्होंने अलेक्जेंडर से ढंग से लड़ाई नहीं की थी। उसके अलावा किंग अम्बी ऑफ तक्षशिला वॉज द फर्स्ट टू सरेंडर व्हेन अलेक्जेंडर रीच ब्यास, हिज सोल्जर बीइंग वॉरबियरी होमसिक एंड डिसीज। तो अब इसके आगे की कहानी यह है कि भैया जैसे अलेक्जेंडर आ रहा है तो बाकी के तो किसी राजा ने लड़ाई नहीं की, सिर्फ पूरस ने लड़ाई की। और उसको भी जीतने के बाद उसने जब पूरस की बहादुरी देखी तो उसने क्या किया था कि पूरस को दोबारा से उसका राज्य लौटा के उसको वहां पे स्थापित कर दिया था। और जो अलेक्जेंडर था वो आगे बढ़ता है, लेकिन जो उसके जो सोल्जर्स वगैरह हुआ करते थे वो इतने ज़्यादा होमसिक और डिसीज्ड फील कर रहे थे कि वो आगे आने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो इसीलिए जो अलेक्जेंडर है उसको वापस जाना पड़ा। टू मार्क दी फार्देस्ट पॉइंट ऑफ हिज एडवांस ही इरेक्टेड 12 ह्यूज स्टोन ऑल्टर्स ऑन नॉर्थ बैंक ऑफ ब्यास। ही रिमेन्ड इन इंडिया फॉर 19 मंथ and on his way back to home had military encounters with Gansangs such as Maloi and he died at Babylon in 323 BC. तो 323 BC में finally उसकी death होती है। He barely had time to organize his conquest in India and most of the conquered state were restored to their rulers. तो finally ऐसा ये होता है। तो देखिए यहाँ कहीं से वो भाई साहब आए होंगे, ऐसे आते गए, यहाँ पे उनकी ये लड़ाइयाँ वगैरह हुई होंगी, तो ये पूरा location उनका दिया हुआ है। फाइन। और जो हैदरस्पर्स जो बोला गया तो वो ये यहां तक वो मैक्सिमम आया होगा। ये अलेक्जेंडर, बाकी अब आगे है इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेंशन, तो ये हम अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्योंकि लेक्चर की लेंथ काफी लंबी हो गई है। फाइन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर और ये जो सीरीज़ है काफ़ी पसंद आ रही होगी। दोस्तों इस लेक्चर को इत्मीनान के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखने के लिए, अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे या आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो जिसकी माध्यम से हम इस लेक्चर सीरीज को और ज़्यादा अच्छा और उमदा बना सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं, तो आपके सजेशंस वेलकम है। आप मुझे अपने सजेशंस, क्वेरीज या कमेंट्स इस ईमेल आईडी पे street01990@gmail.com पर लिख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन दस विदानियां।